हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आज आ गए हम एक किया के शोरूम पे सर्विस करवाने। सीएनजी के बाद अपनी पहली सर्विस है ये, देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी लग गई है, देखते हैं कैसा रहेगा, क्या रहेगा सर्विस का। इंजन लाइट अपनी चली गई थी, जैसा सीएनजी के बाद इंजन लाइट आई थी ना, चेक इंजन लाइट, वो तो चली गई थी। आज लाया हूँ मैं सर्विस करवाने, इसकी फर्स्ट पेड सर्विस है। 9,500 रुपये के आसपास बता रहे हैं, देखते हैं क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो बढ़िया है, यहाँ सिस्टम सारा मस्त कर रखा है सर्विस सेंटर। हो सकता है आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखो तो इसकी जो बेकार लाइटें टॉप मॉडल वाली बन जाएं कुछ टाइम बाद। अब देखते हैं क्या होता है। अब आप देख लो भाई, हवा भर रहे हैं, चेक कर रहे हैं गाड़ी, खा ली अपने पूरी कर ली है। अब जब से सीएनजी लगवाई ना भाई, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई जैसा आप देख रहे हो, मैं टाइम से पहले सर्विस करवा रहा हूँ। 20,000 रुपये सर्विस होती है पेड, मैं पहले ही करवा रहा हूँ। क्योंकि भाई जब तुमने सीएनजी लगवाई है तो गाड़ी यार हीट मानती है, क्योंकि सीएनजी फूकने में ना गाड़ी को एनर्जी काफ़ी लगती है, इंजन ऑयल भी ज़्यादा खाती है सब कुछ। इसलिए सर्विस पहले टाइम से करवा लो, 2,000 किलोमीटर पहले करवा लो, ठीक है भाई। गाड़ी अपनी लग गई ऊपर चेक पे, ऑयल वॉयल चेंज हो रहे हैं, लग रहा है सर्विस तो सही कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या सीन है, देख लो प्रॉपर। मेरे ख्याल से नोएडा का सबसे बढ़िया सर्विस सेंटर है इनका, किया वालों का। गाड़ी गाड़ी खड़ी है। कैसे हो सारे भाई, क्या हाल चाल है। टाइम मिल नहीं पाया था यार, सर्विस तो मैंने करा ली थी गाड़ी की, पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि शादी साये इतने चल रहे हैं कि गाड़ी इधर उधर ही चले जा रही है भाई। आज टाइम मिला है, गाड़ी निकाल के लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब पहली सर्विस सीएनजी के बाद का क्या रिस्पॉन्स रहा है मैं आज आपको बताता हूँ, और कितने सुधार आए हैं गाड़ी में, जो झटके ले रही थी क्या कह रही, सब A to Z में बताता हूँ रिस्पॉन्स। और मैंने कहाँ से सर्विस करवाई थी ये भी बताऊँगा, किसने करी थी ये भी बताऊँगा, A to Z के बारे में आगे बात करते हैं। सो ये देख लो भाई, सर्विस के बाद ये गंदी फिर हो गई थी। अब मैं बताता हूँ, जब से मैंने CNG लगवाई थी ना, गाड़ी थोड़ी स्मूथ तो चल रही थी लेकिन हल्के झटके मार रही थी। अब मैंने वहाँ बात करी तो मैनेजर कहता सबसे पहले कि भाई तुमने CNG की लगवा रखी है। सब शॉक्ड थे गाड़ी को देख के, मतलब भाई CNG लगवा रखी है इतनी बड़ी गाड़ी में। मैंने बताया जी लगवा ली, अब कह रहे वारंटी वॉइड हो गई तुम्हारी। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी को भी 2.5 साल हो गए, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा चलो एवरेज क्या दे रही है, सब पूछने लगे मेरे से। मैंने कहा भाई 26-27 का दे रही है प्यार से चलाने में। भाई सब शॉक्ड हो गए कि 26-27 का एवरेज दे रही यार, इतनी बेहतरीन गाड़ी पेट्रोल में, मैं CNG पे। मैंने कहा हाँ जी। फिर सर्विस भाई एकदम बढ़िया थी, अच्छा रिस्पॉन्स था, टाइम लगा सर्विस होने में 3 से 4 घंटे। और जो बिल बैठा मेरी फर्स्ट पेड सर्विस का, वो था भाई 7628 का, 7628। इसमें मेरे को 1400-1500 का डिस्काउंट भी मिला था, क्योंकि पापा अपने भाई गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया मैनेजर को, मैं बताया कि भाई पापा डॉक्टर हैं तो देख लो, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट है भाई, इतनी सैलरी वैलरी मिलती नहीं है, काट रहे हैं टाइम, कहते चलो डिस्काउंट कर देंगे। फिर वो इतने भाई मैनेजर इतने सपोर्टिव थे, वो कह रहे थे आप एसेसरीज वगैरह लगवा लो फ्री में। मैंने कहा नहीं, एसेसरीज तो सारी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में जो झटके थे वो ख़त्म है जब से सर्विस हुई है भाई, बहुत अच्छी चल रही है गाड़ी, स्मूथ चल रही है। अलाइनमेंट में दिक्कत थी, अलाइनमेंट ठीक हुआ है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, गियर ऑयल सब डला है, टॉपअप हुआ है, और इंजन ऑयल पूरा चेंज हुआ है, और गाड़ी एक नंबर चल रही है भाई, थैंक्स टू अलाइड मोटर्स सेक्टर 11 नोएडा। और संतोष जी वहाँ के मैनेजर हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। और जो आपका जॉब कार्ड बनाएगा वो सचिन नाम का लड़का है भाई, एक नंबर है, वो भी पूरा सपोर्ट देगा आपका हर चीज़ में, उससे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सर्विस एक नंबर हो जाएगी आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और जैसे प्यार दिखा रहे हो वैसे प्यार दिखाते रहो। 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिया हमने, जल्दी जल्दी 1K करवाओ, फिर आगे भाई मिलेंगे और नए अपडेट के साथ आपको दिखाते रहेंगे आगे चीज़ें।